समर्थन है। मेंबर ऑफ मैन अप फाउंडेशन इंडिया जो हिंदुस्तान के आइमा व खुतबा का नुमाइंदा इदारा है, इस इदारे के तहत रूए कुरान मुकम्मल की रस्म इजराए हुई है जो कि 1360 सफात पर मुश्तमिल है। इस किताब के मुअल्लिफ मौलाना गयास अहमद रशादी है। रूए कुरान पर मुल्क के मुतअद्दिद मुशाहिर व मुमताज उलमा इकराम ने अपने तखरीसी कलिमात तहरीर फरमाए हैं, जिनमें हजरत मौलाना अंजर शाह कश्मीरी दारुल उलूम वक्फ दियोबंद व दीगर मौजूद हैं। प्रोग्राम मदीना एजुकेशन सेंटर पर हो रहा है, इसमें शहर के उलमा अइमा खुतबा और साजिद के सदूर और सेक्रेटरीज मौजूद हैं। इसका मकसद यही है कि मैंने एक किताब लिखी है रूह कुरान के नाम से, ईमानियात इबादत अखलाक मामलात माशरत और मुतफरीक़ात, हर हर मजमून के तहत कुरान मजीद में कहाँ कहाँ आयतें जमा हैं मौजूद हैं उनको मैंने जमा किया है। एक बहुत अहम तरीन काम है उन लोगों के लिए जो किसी भी मौजू पर लिखना चाहते हैं या किसी भी मौजू पर कोई किताब तस्नीफ करना चाहते हैं या किसी भी मौजू पर जुमा के मौके पर बयान करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आयात को ढूंढना पड़ता था। मैंने गुज़िश्ता 20 साल पहले इस बात की कोशिश की और इसकी पहली जिल्द रूह कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह तबाद हुई थी, उसके बाद ये काम रुक गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1360 सफहात पर मुश्तमिल ये किताब रूह कुरान मुकम्मल आपके हाथों में है और इसकी इजरा आज मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब के हाथों से इसकी इजरा हो रही है। ये वो किताब है जिस किताब पर मौलाना अंजर शाह कश्मीरी ने और मौलाना मोहम्मद हनीफ मिल्ली ने हर मौलाना फजलुर्रहमान सज्जाद हदवी साहब ने हर मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब ने हर मौलाना आकिब हमीदुद्दीन आकिब उस्सामी साहब ने हर मौलाना रिजवानुल खासमी साहब ने हर मौलाना सैयद अकबरुद्दीन साहब ने और मुल्क के मुख्तलिफ बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने इस किताब को पसंद भी किया और इसको अल्हम्दुलिल्लाह एक मुफीद किताब करार दिया और एक मारिकतुल आरा किताब करार दिया है।